हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 5 क्लास 10 का पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट का कि उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। तो सबसे पहले इसमें है डॉवर्नियर ट्राइड्स। इन द ईयर ऑफ 1817 जॉन वॉल्फगैंग डॉवर्नियर अ जर्मन केमिस्ट ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन टू ग्रुप। ही अरेंज्ड थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्राइड्स। ही शोड व्हेन दीज ट्राइड्स means three element were written in the order of increasing order of the their mass the middle elements was roughly the arrange of the atomic mass of the other two elements। जैसे इनको तीन तीन के ग्रुप बनाए डॉवर्नियर ने, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीन ही ग्रुप बनाए थे इन्होंने। तो इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर इनको अरेंज किया जाए तो ये देखा जाता है, उन्होंने देखा कि जो सोडियम का है डाउन द ग्रुप जाएंगे तीन में, कि जो बीच का एलिमेंट है ये इन दोनों के एवरेज के इक्वल होता है। जैसे 39 और 6.9 ये हो गया 46.8, तो इसके हाफ करेंगे तो ये 23 के अबाउट आएगा। तो इन दोनों के सम का सम में 2 का डिवाइड करेंगे तो इतना करीब करीब आएगा। ऐसे ही कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम है, इसको और इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब इतना आएगा। इसी तरह ये है, इन्होंने डॉवर्नियर ने सिर्फ तीन ही ये ट्राइड बनाए थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वर नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, लेकिन इनको यूजफुल नहीं समझा गया क्योंकि केवल ये तीन ही थे, बाकी और किसी जगह ये और एलिमेंट्स, जब ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये सही नहीं बैठा। तो ये तीन के साथ ही सही बैठता है, बाकी सब के साथ ये सही नहीं बैठता, इसलिए ये डॉवर्नियर के ट्राइड्स तीन ही रहे, बाकी के लिए ये थ्योरी फेल हो गई।